नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सहारनपुर के देवबन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक जनसभा की, जहां उन्होंने विपक्ष और माफिया राज पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि देश कानून से चलेगा, फतवे से नहीं। माफिया के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं। जेल से जहन्नुम पहुंच रहा है कोई। आज माफियाओं का राम नाम सत्य हो गया। माफिया की अवैध संपत्तियां अटैच की जा रही हैं। माफिया ने जो जमीन गरीबों से छीनी थी उसे वापस लिया जा रहा है और गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। अरे जिस सहारनपुर को शिक्षा के एक पवित्र केंद्र के रूप में देश के अंदर सिरमौर होना था या पश्चिम का काशी बनना था, उसको आपने मजहबी जनून का अड्डा बना दिया। अराजकता फैलाने के लिए, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फतवा जारी करने के लिए, अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी यह भी फतवे से तय होगा। अरे ये डॉक्टर और वैज्ञानिक तय करेंगे या कोई फतवा तय करेगा? लेकिन बहनों और भाइयों, यहां पर किस प्रकार की अवस्था आप देख रहे होंगे, अब कोई जेल में, कोई जहन्नुम में, और बाकी जो बचे हुए हैं स्वयं ही राम नाम सत्य है कि यात्रा पे निकल गए हैं। आप देख रहे होंगे ना, बड़े बड़े धुरंधर हुआ करते थे पहले, सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे, कांग्रेस के लोग कैसे नतमस्तक हुआ करते थे। जब वे चलते थे तो मुख्यमंत्रियों के काफिले रुक जाया करते थे, मंत्रियों के काफिले रुक जाया करते थे, और सरकार बदली हमने कहा एक काफिले कोफले बंद होने चाहिए भाई, होटल होटल सब बंद कराओ आप, और फिर उनकी गर्मी को शांत कर दिया गया एक ही बार में, हो गया ना गर्मी शांत। जो लोग समाज का लूटते थे, अपना घर भरते थे, उन माफियाओं की संपत्ति को इसीलिए जब्त करके हम गरीबों का मकान बना रहे हैं। एक बहुत बड़ा माफिया था, यूपी का एक, उस माफिया के द्वारा प्रयागराज में बड़ी संपत्ति अर्जित की गई कब्जा करके। हमने संपत्ति खाली करवाई और गरीबों के लोगों ने कहा अरे साहब ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा क्या मतलब, जो मेरा मुझे करना है वही करना हो, गरीबों के आवास बनेंगे जिसपे। और बहनों भाइयों, गया वहां पे, मकान बनाए गए, हाई राइज बिल्डिंग बनाई गई, और फिर अपने हाथों से गरीबों को आवास की चाबी मैंने सौंपी वहां पे। और मैं फिर कह रहा हूं, याद रखना, माफिया ने अनैतिक और अवैध तरीके से जितनी संपत्तियां अर्जित की होंगी, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उन सभी संपत्तियों को हम फिर से कब्जे में ले चुके हैं या लेने वाले हैं, और फिर गरीबों के मकान उसमें आने वाले समय में बनने ही बनने हैं, और गरीबों को फिर मकान सौंपे जाने हैं। बिना झुके, बिना रुके, बिना डिगे, आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं, देखा ना आपने दंगा कैसे होता, भूल गए, पत्थरबाजी भी भूल गए, छोटी छोटी बात को लेके पत्थरबाजी होने लगती थी। पहले पर्व और त्योहार कोई आता था, और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी पर्व और त्योहार आता था, होली, दीपावली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, कोई भी पर्व और त्योहार आता था, कर्फ्यू लग जाता था, प्रशासन भी उनका साथ देता था। अब कर्फ्यू नहीं, अब तो धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकल पड़ती है, कोई रोक टोक नहीं है। पहले जहां से चिल्लाट होकर के लोग खतरे में होए की आवाज लगा करके उपद्रव करते थे, वे सब माइक ही हमने उतार दिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, सारा विवाद ही समाप्त कर दिया गया।
सहारनपुर के कैराना में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहले माफिया सिर ऊंचा करके घूमते थे, छोटी छोटी बातों पर दंगे हुआ करते थे, अब दंगा करने वाले खुद ही कहते हैं कि दंगा नहीं करेंगे, अगर दंगा करेंगे तो उन्हें उल्टा कर दिया जाएगा। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे, नहीं केक नहीं करके बोलते थे, छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे हो कि दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था, उल्टा लगवा लटका दिया जाता है उनको। अब दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। क्या मोदी जी ने योजनाओं का लाभ देते समय किसी की जाति देखी थी क्या? 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्ष में फ्री राशन मिलना है, 80 करोड़ लोगों की देश के अंदर भूख का कलंक सदैव के लिए समाप्त हो जाए, जो भूख कांग्रेस ने दी थी देश को, जिस देश के गरीबों को भूखों मरने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व ने छोड़ दिया था। कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है, ये वोटों के सौदागर हैं, चुनाव के समय दिखेंगे, बाकी संकट के समय सब गायब हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, किसी का तो पता नहीं होता है। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए आए हैं हम लोग कि इस देश को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया था कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने, देश को 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मोदी जी के नेतृत्व में मिल रहा है, अगले 5 वर्ष तक निरंतर मिलेगा। जिस बेटी को अपने मां बाप के संरक्षण में अच्छी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए थी, बेटी तो जब शादी योग्य होती है तभी ससुराल जाती है, नहीं तो मां बाप के संरक्षण में अच्छी पढ़ाई करती है, उस बेटी को असमय हॉस्टल में या दूर रिश्तेदार के घर में डर के मारे मां बाप की भेज देते थे। बहनों और भाइयों, यह स्थिति लगातार पैदा करने का प्रयास हुआ। व्यापारी भी असुरक्षित था, व्यापार नहीं कर पाता था, प्लान करता था, किसान को उसकी उपज का दाम नहीं मिलता था, अराजकता का तांडव था। जब कुछ नहीं हो पाया इन लोगों से विकास का कार्य, पहले से बंद चल रही चीनी मिलों को ही बंद करके बेचना प्रारंभ कर दिया। यही तो होता था सपा बसपा कांग्रेस के समय। और आपने पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए नए भारत को देखा है। वहीं मुरादाबाद में बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने जनसभा के दौरान विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये मनमोहन की सरकार नहीं, मोदी की सरकार है, आतंकियों को घर में घुस कर मारते हैं। 2017 के बाद से यूपी में दंगे, पलायन, कर्फ्यू, माफिया राज खत्म हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह मुरादाबाद के बुद्धि विहार मैदान में संभल और मुरादाबाद के बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। अमित शाह ने कहा कि 2014 और 2019 में पीएम मोदी के पीएम बनने का सबसे बड़ा कारण यूपी ही था, उन्हें तीसरी बार भी पीएम बनाना है, इसलिए इस बार ना 73 चलेगी ना ही 65 चलेंगी, इस बार 80 की 80 सीटें मोदी की झोली में जाएंगी। 2014 में 73 सीटें और 19 में 65 सीटें दी और इसी के कारण मोदी जी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने। मगर इस बार तीसरी बार बनाना है, ना 73 चलेगी ना 65 चलेगी, इस बार 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाए। अमित शाह ने कहा कि कभी राहुल बाबा हमारा मजाक उड़ाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। 2019 में एक बार फिर आपने मोदी जी की सरकार बनाई, 5 साल में कोर्ट का फैसला भी आया, भूमि पूजन भी हुआ और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई।
मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। उड़ाते थे ना मजाक, मैंने बहुत मजाक सहन किया है 14 से 19। 19 में मोदी जी ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, अयोध्या में भूमि पूजन भी हो गया और 22 जनवरी को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। अमित शाह ने कहा कि वो 2013 में भी पश्चिमी यूपी आए थे, उस वक्त यहाँ पर डर, दंगे, गौ तस्कर और गुंडों का राज चलता था। आपने समाजवादी पार्टी को हटाया और यहाँ पर डर, गुंडे और गौ तस्कर की जगह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का काम चालू हुआ और विकास का काम आगे बढ़ा। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।